हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़। आज के इस लेक्चर वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट वन जूलॉजी पेपर वन यूनिट थर्ड में पेलीमॉन का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम पेलीमॉन में कंपाउंड आई एंड इमेज फॉर्मेशन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पेलीमॉन के कंपाउंड आई की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जो इस तरह से हैं। आई महत्वपूर्ण फोटोरिसेप्टर ऑर्गन है। यह अनेक आई यूनिट से बनी संयुक्त रचना है, इसलिए यह कंपाउंड आई कहलाती है। प्रत्येक आई अनेक इंडिपेंडेंट विजुअल यूनिट से बनी हुई होती है। ये यूनिट या इकाइयां ओमेटिडिया कहलाती हैं। प्रत्येक आई यूनिट या ओमेटिडियम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेपरेट इमेज बनाती हैं, तथा सभी आई यूनिट्स मिलकर वस्तु का संयुक्त प्रतिबिंब बनाती हैं। इस तरह इमेज फॉर्मेशन या इस तरह के विजन को मोज़ेइक विजन कहा जाता है। प्रत्येक आई यूनिट ब्राइट लाइट और डिम लाइट में अलग अलग विधियों से वस्तु का या ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाती है। आई के बाहर की सतह क्यूटिकल या कॉर्निया या लेंस निर्मित करती है। आई की सबसे बाहर की सतह यह क्यूटिकल की बनी हुई होती है और यह कॉर्निया या लेंस का निर्माण करती है। यह परत एकेडेसिस या मोल्टिंग के समय शेड ऑफ कर दी जाती है, उतार कर फेंक दी जाती है, तथा नए कॉर्निया या नए लेंस का निर्माण भी उसके नीचे स्थित कॉर्नियेजन सेल के द्वारा कर लिया जाता है। प्रत्येक आई के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, जबकि ऑब्जेक्ट वीव्ड बाय द प्रॉन इज नॉट इन्वर्टेड एज इन वर्टिब्रेट आई। वर्टिब्रेट आई में आंखों में ऑब्जेक्ट या वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जबकि प्रॉन के आई के द्वारा या आई यूनिट्स के द्वारा ऑब्जेक्ट या वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। यह विशिष्ट रूप से विभिन्नता होती है। आइए हम आई के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। आई का लोकेशन हम देखें। पेलीमॉन में एक जोड़ी काले रंग की हेमिस्फेरिक या अर्धवृत्ताकार आई पाई जाती है। प्रत्येक आई रोस्ट्रम के बेस पर अपने स्टॉक के द्वारा अटैच्ड रहती है। रोस्ट्रम के बेस पर स्थित ऑर्बिटल नॉच में आई बॉल को सुरक्षित रखा जाता है। प्रत्येक आई एक छोटी गतिशील और दो संधियुक्त या टू ज्वाइंटेड स्टॉक के शीर्ष पर स्थित होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये सामने की ओर का हिस्सा ये कहलाता है रोस्ट्रम। इस रोस्ट्रम के बेस पर एक नॉच होती है, एक कैविटी होती है, और उस कैविटी को ऑर्बिटल नॉच कहा जाता है। और इसी ऑर्बिटल नॉच में प्रॉन की जो आई है वह स्थित होती है। तो जैसे मान लीजिए ये उसका रोस्ट्रम का हिस्सा है, तो रोस्ट्रम में एक नॉच होगी, इस नॉच को ऑर्बिटल नॉच कहा जाता है। और इसी ऑर्बिटल नॉच में प्रॉन की जो आई है वो एक स्टॉक के ऊपर लगी हुई होती है, इसलिए इस तरह की आई को स्टॉक्ड आई कहा जाता है। आई की संरचना हम देखते हैं।
स्ट्रक्चर देखें, प्रत्येक आई की संरचना अनोखी और विशिष्ट होती है तथा यह अनेक ओमेटिडियम का बना हुआ होता है। प्रत्येक ओमेटिडियम एक पूर्ण आई की भांति कार्य करता है तथा वस्तु का स्वतंत्र प्रतिबिंब बना सकने में सक्षम होता है। सभी ओमेटिडियम रचना में समान होते हैं तथा एक दूसरे के समानांतर व रेडियली अरेंज्ड होते हैं। प्रत्येक कंपाउंड आई का बाहरी भाग पारदर्शी क्यूटिकल का बना हुआ होता है जो कॉर्निया बनाता है। यह कॉर्निया अनेक वर्गाकार खंडों जिन्हें हम फेसेट्स कहते हैं में बटा हुआ होता है, जिससे वह ग्राफ पेपर के खंडों की तरह दिखाई देता है। प्रत्येक खंड या फेसेट के नीचे रॉड लाइक एक ओमेटिडियम स्थित होता है और इसी ओमेटिडियम को हम आई यूनिट कहते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि आई ये जो हेमिस्फेरिक है, अर्धवृत्ताकार जो संरचना दिखाई दे रही है, यह आई है। और इस आई की सतह पर हम देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे फेसेट्स पाए जाते हैं। ये ग्राफ पेपर की तरह छोटे छोटे खानों की तरह होते हैं, तो इनमें से प्रत्येक खंड को फेसेट कहा जाता है। तो ये हुए आई फेसेट। यह जो आई है यह दो संधि युक्त रचनाओं से जुड़ी हुई होती है और इस रचना को कहा जाता है स्टॉक। और यह स्टॉक अपने आधार के माध्यम से ये ऑर्बिटल नॉच पर अटैच्ड होती है, लगी हुई होती है। ये आंख की मॉर्फोलॉजी है। आइए अब हम इसकी अंदरूनी संरचना देखते हैं। यदि कंपाउंड आई का सेक्शन लें तो बाहर की सतह पर ये ग्राफ पेपर के खानों की तरह जो रचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये फेसेट कहलाती हैं और यह क्यूटिकल के द्वारा बनी हुई है और इस भाग को कॉर्निया कहते हैं तथा यह कॉर्निया एक बाई कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है जो ऑब्जेक्ट या वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों को फोकस करने का काम करती है। ये भीतर के अन्य भागों के बारे में जानकारी है जिन्हें क्रमशः हम क्रिस्टलाइन कोन, रेबडोम, बेसल मेम्ब्रेन, नर्व फाइबर, ऑप्टिक गैंग्लिया और ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये अनेक यूनिट्स के द्वारा बना हुआ है और इसकी जो हर इकाई होती है ये इकाई कहलाती है ओमेटिडियम। एक ओमेटिडियम की रचना हम देखें तो प्रत्येक ओमेटिडियम में दो भाग होते हैं। पहला भाग यह डाई ऑप्टिकल रीजन कहलाता है। चूंकि यह वस्तु या ऑब्जेक्ट से आती हुई प्रकाश की किरणों को फोकस करने का कार्य करता है, इसलिए डाई ऑप्टिकल रीजन को फोकसिंग रीजन भी कहा जाता है। डाई ऑप्टिकल रीजन में अनेक भाग होते हैं। पहला भाग यह कॉर्निया कहलाता है, दूसरा कॉर्निएजन सेल, तीसरा कोन सेल, चौथा क्रिस्टलाइन कोन और पांचवा है आयरिस पिगमेंट। तो डायऑप्टिकल भाग इन पांच घटकों से या इन पांच रचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। डायऑप्टिकल रीजन के नीचे की ओर दूसरा भाग होता है, यह भाग कहलाता है रिसेप्टर रीजन। यह रिसेप्टर रीजन भी अनेक भागों से मिलकर बना हुआ होता है जो क्रमशः इस रूप में है। पहला रेबडोम, दूसरा रेटिनल सेल, तीसरा रेटिनल पिगमेंट, चौथा बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल मेम्ब्रेन, पांचवा नर्व फाइब्रिस, छठवा ऑप्टिक गैंग्लिया और सातवां है ऑप्टिक नर्व। तो इतने भागों से मिलकर के रिसेप्टर रीजन बना हुआ होता है। इस चित्र में इन सभी भागों को हम देख सकते हैं। ये पहला भाग जो सामने की ओर है, ऊपर की ओर है, ये डायऑप्टिकल भाग है तथा जो नीचे की ओर है यह दूसरा भाग रिसेप्टर रीजन है।
डायप्टरिकल भाग में सबसे ऊपर की ओर यह क्यूटिकल की बनी हुई कॉर्निया की लेयर है जो लेंस का निर्माण करती है। इसके नीचे ये ट्रायंगुलर दो सेल दिखाई दे रही हैं, ये कॉर्निएजन सेल हैं। इसके नीचे तीसरा कोन सेल, चौथा क्रिस्टलाइन कोन और ये है आयरिस पिगमेंट। इसी तरह से रिसेप्टर रीजन पर ये भाग इस तरह से हैं। पहला रेबडोम जो रॉड के समान दिखाई दे रहा है, इसकी सतह पर अनुप्रस्थ धारियां हैं। दूसरा रेटिनल सेल, तो ये जो सेल हैं ये सब कहलाती हैं रेटिनल सेल, इन्हें हम कह सकते हैं रेटिनल सेल्स, इनकी संख्या 7 होती है। उसके बाद रेटिनल पिगमेंट, ये पिगमेंटेड सेल हैं, ये कहलाती हैं रेटिनल पिगमेंट। फिर आ जाएं बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल मेम्ब्रेन, देन नर्व फाइबर, ऑप्टिक गैंग्लिया और लास्ट में है सबसे भीतर की ओर ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व प्राण के ब्रेन पर चली जाती, उसके मस्तिष्क में चली जाती, ये एक उसकी संरचना हुई। आइए विस्तार से हम इन सभी भागों का अध्ययन करते हैं। एक ओमेटिडियम में जो ऊपर की ओर का भाग होता है यह डायऑप्टरिकल रीजन या फोकसिंग रीजन कहलाता है। यह ओमेटिडियम का अगला भाग निर्मित करता है। इसके अंतर्गत जो भाग आते हैं वो इस तरह से हैं। पहला कॉर्निया, प्रत्येक फैसेट के पारदर्शी क्यूटिकल की बनी बाइकॉन्वेक्स लेंस बनाता है। यह ऑब्जेक्ट से आती हुई प्रकाश की किरणों को क्रिस्टलाइन कोन पर उसके शीर्ष पर फोकस या केंद्रित करने का कार्य करता है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं ये जो भाग है यही भाग कहलाता है कॉर्निया। यह क्यूटिकल के द्वारा बना हुआ होता है तथा यह बाइकॉन्वेक्स लेंस के रूप में कार्य करता है जो प्रकाश की किरणों को क्रिस्टलाइन कोन में फोकस करने का काम करता है। तो बाइकॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है वो आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है। समय समय पर क्यूटिकल से निर्मित यह कॉर्निया उतार कर फेंक दी जाती है और नए कॉर्निया का निर्माण उसके नीचे स्थित कॉर्निएजन सेल के द्वारा किया जाता है। डायप्टरिकल रीजन का दूसरा भाग यह कॉर्निएजन सेल्स कहलाती है। लेंस के ठीक नीचे दो कॉर्निएजन सेल होती हैं। ये देखिए ये दोनों कॉर्निएजन सेल हैं। ये कॉर्निएजन सेल एपिडर्मल कोशिकाओं के रूपांतरण से बनती हैं तथा इन कॉर्निएजन सेल्स के स्राव से ही कॉर्निया का निर्माण होता है। तीसरा भाग यह कोन सेल कहलाता है। तो कॉर्निएजन सेल के नीचे चार लंबी कोन सेल्स होती हैं जो अग्र मध्य भाग में भीतर की ओर क्रिस्टल और ट्रांसपेरेंट कोन को घेरे हुए होती है जिसे क्रिस्टलाइन कोन कहा जाता है। पिछले भाग में कोन सेल आपस में संपर्क में रहती हैं तथा इस भाग में क्रिस्टलाइन कोन नहीं होता तथा ये रिसेप्टर रीजन पर सधी हुई होती हैं। ये कोन सेल हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं ये कोन सेल हैं, इनकी संख्या 4 होती है। यदि इस स्थान से सेक्शन काट करके देखें तो ये केंद्र पर हमें दिखाई देती है पारदर्शी क्रिस्टल जैसी रचना, ये कहलाती है क्रिस्टलाइन कोन और इसको इन चार कोशिकाओं ने चारों तरफ से घेर करके रखा हुआ है और ये चारों कोशिकाएं ये कहलाती हैं कोन सेल। पीछे की ओर यदि हम सेक्शन काट करके देखें तो इस भाग में क्रिस्टलाइन कोन नहीं है जिसके कारण से केवल 4 कोन सेल हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और यदि हम इनके पिछले भाग से सेक्शन काट करके देखें तो 4 सेल भीतर की ओर हमें दिखाई दे रही हैं, ये कोन सेल हैं और बाहर की ओर ये आयरिस पिगमेंट हैं। तो आयरिस पिगमेंट इन्हें चारों ओर से घेर करके रखती हैं।
और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो इनके रिसेप्टर रीजन पर या रेबडोम के ऊपर सधी हुई होती हैं। आइए क्रिस्टलाइन कोन के बारे में हम देखते हैं। ये रचना है क्रिस्टलाइन कोन। तो क्रिस्टलाइन कोन यह लंबी पारदर्शी संरचना है जिसका निर्माण इसके चारों ओर उपस्थित कोन सेल्स के सिक्रीशन के द्वारा किया जाता है। अगली रचना यह कहलाती है आयरिस पिगमेंट। तो आयरिस पिगमेंट ये कोन सेल के बाहर की ओर आयरिस पिगमेंट सेल मौजूद होती हैं। ये फैलने और सिकुड़ने वाली कोशिकाएं होती हैं, पिगमेंट होती हैं। ये प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पर्दे की तरह फैल और सिकुड़ सकती हैं। इनका कार्य डायप्टरिकल रीजन प्रकाश की किरणों को फोकस रीजन फोकस करके रिसेप्टर रीजन पर भेजती हैं। तो ये संरचना और कार्य हुआ डायप्टरिकल रीजन या फोकसिंग रीजन के बारे में। आइए अब हम ओमेटिडियम के पिछले और दूसरे भाग के बारे में देखते हैं। यह भाग रिसेप्टर रीजन कहलाता है। यह ओमेटिडियम का पिछला भाग होता है तथा इसमें निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती हैं। पहली रेबडोम, यह रिसेप्टर रीजन का प्रमुख भाग होता है जो एक लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड रॉड लाइक होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये है रेबडोम जो सामने और पीछे दोनों तरफ से नुकीला होता है तथा इसकी सतह पर अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती हैं। इनकी बाहरी सतह पर अनुप्रस्थ धारियां या स्ट्रेटेड दिखाई देती हैं। दूसरा है रेटिनल सेल। रेबडोम के चारों ओर सात लंबी रेटिनल सेल पाई जाती हैं जो रेबडोम को चारों ओर से घेर करके रखती हैं तथा रेबडोम का निर्माण इन्हीं रेटिनल सेल के सिक्रीशन से होता है। तो रेटिनल सेल यहां पर हम देख सकते हैं रेबडोम को घेरे हुए ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं ये कोशिकाएं ही कहलाती हैं रेटिनल सेल। इस भाग से यदि हम सेक्शन लेते हैं तो हमें भीतर की ओर ये रेबडोम दिखाई देता है और इसके बाहर की ओर ये सात कोशिकाएं दिखाई देती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये सात की सात कोशिकाएं जो हैं वो रेटिनल सेल कहलाती हैं। और इसके बाद हम देखें तीसरी रचना, ये है रेटिनल पिगमेंट। तो रेटिनल सेल के बाहर चारों ओर रेटिनल पिगमेंट पाई जाती हैं। ये रेटिनल पिगमेंट भी प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पर्दे की तरह फैल और सिकुड़ सकती हैं। ये जो संरचनाएं हम देख रहे हैं ये सभी के सभी संरचनाएं हैं रेटिनल पिगमेंट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल मेम्ब्रेन। रेबडोम तथा रेटिनल सेल अपने पिछले दूरस्थ सिरे पर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सधी रहती हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं केंद्र में रेबडोम है और ये सभी रेटिनल सेल हैं। तो रेबडोम और रेटिनल सेल ये एक पतली मेम्ब्रेन के ऊपर आधारित होती हैं, सधी हुई होती हैं और इसे ही कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद अगली रचना है नर्व फाइब्रीज। तो नर्व फाइब्रीज और ऑप्टिक गैंग्लिया, यहां पर हम देख सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के पिछले भाग से नर्व फाइब्रीज निकलती हैं जो ऑप्टिक गैंग्लिया से संबंध होती हैं और अंत में निकलने वाली ऑप्टिक नर्व ये ब्रेन में जाती हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकलती हुई ये अलग अलग नर्व फाइबर हैं जो आकर के ऑप्टिक गैंग्लिया में जुड़ जाती हैं। ऑप्टिक गैंग्लिया के नीचे से दूसरी नर्व फाइबर निकलती हैं और ये भी दूसरी ऑप्टिक गैंग्लिया में आकर के मिल जाती हैं और अंत में जो सेकेंड ऑप्टिक गैंग्लिया है यहां से मोटी नर्व निकलती है और इस मोटी नर्व को कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। और ये जो ऑप्टिक नर्व है
वो प्राण के ब्रेन के अंदर जाकर के जुड़ जाती है। इस तरह इनके रिसेप्टर रीजन की संरचना पूरी होती है। आइए हम देखें रिसेप्टर रीजन के कार्य के बारे में। तो रेबडोम तथा रेटिनल सेल प्रमुख रूप से वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाती हैं। ओमेक्लिडिया एक दूसरे से आयरिस पिगमेंट शीट तथा रेटिनल पिगमेंट शीट के द्वारा पृथक रहते हैं। कंपाउंड आई की कार्यप्रणाली या उसके फंक्शन को हम देखते हैं। तो वर्किंग ऑफ कंपाउंड आई एंड इमेज फॉर्मेशन। कंपाउंड आई में प्रत्येक ओमेटिडियम स्वतंत्र प्रतिबिंब बनाता है। इस तरह किसी ऑब्जेक्ट का इमेज अनेक छोटे छोटे खंडों का बना हुआ होता है तथा सभी इमेजेस टाइल्स की भांति जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार की दृष्टि या विजन को मोजेक विजन कहते हैं। यहां पर हम देखते हैं ये कंपाउंड आई में सब फैसेट्स हैं और इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। तो जब कंपाउंड आई के सामने वो वस्तु आता है तो कंपाउंड आई के ओमेटिडियम केवल उस भाग का प्रतिबिंब बनाते हैं जो भाग वस्तु का उस ओमेटिडियम के सामने होता है। तो इस तरह वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो अनेक छोटे छोटे सेगमेंट्स के द्वारा निर्मित होता है। तो इस तरह जो विजन है, इस तरह की जो दृष्टि होती है उसे कहा जाता है मोज़ेइक विजन। कंपाउंड आई तीव्र प्रकाश में और धीमे प्रकाश में अलग अलग तरह से किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाता है। आइए सबसे पहले हम देखें ब्राइट लाइट में या डे लाइट में कंपाउंड आई की वर्किंग। तीव्र प्रकाश में आयरिस तथा रेटिनल पिगमेंट ओमेटिडिया के बीच में फैलकर उसे ढककर एक दूसरे से पृथक कर देते हैं, जिससे प्रकाश की सीधी किरणें, जिन्हें हम डायरेक्ट रेज ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो ही ओमेटिडियम पर पहुंच पाती हैं और वस्तु से आती हुई प्रकाश की जो तिरछी किरणें हैं, जिन्हें हम इनडायरेक्ट रेज कहते हैं, वह साइट के ओमेटिडियम पर पहुंचने के बाद वहां आयरिस और रेटिनल पिगमेंट शीट के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिसके कारण वह ओमेटिडियम तक नहीं पहुंच पाती है। इस प्रकार वस्तु का बना प्रतिबिंब स्पष्ट होता है, क्लियर होता है तथा इसे एपोजिशन इमेज कहते हैं। चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे ये एक ओमेटिडियम है, उसका लेंस है, कॉर्निया का हिस्सा है, ये दूसरी आई यूनिट या दूसरा ओमेटिडियम है, ये तीसरा ओमेटिडियम है इस तरह से, और सामने की ओर है इसका कोई ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का ये भाग है ए, भाग बी और भाग सी। ये ओमेटिडियम ए, बी और सी और इसका ये रेबडोम है। इस ओमेटिडियम का रेबडोम ए है, ये रेबडोम बी है और रेबडोम सी है। यहां हम देखें कि जब प्रकाश पर्याप्त होता है, ब्राइट लाइट होती है, तो आयरिस और रेटिनल पिगमेंट शीट होती हैं, ये दोनों फैल जाती हैं और फैल करके ये पर्दे के रूप में हर ओमेटिडियम को एक दूसरे से अलग कर देती हैं। तो ए ओमेटिडियम इस पिगमेंट के द्वारा बी से अलग है, बी सी से अलग है, इसी तरह से। तो जब ऑब्जेक्ट के भाग ए से प्रकाश की किरणें सीधे ओमेटिडियम के अंदर प्रवेश करती हैं तो वो पहुंच जाती हैं रेबडोम पर। इसी तरह बी से चलने वाली किरणें रेबडोम बी पर पहुंचती हैं, सी से चलने वाली किरणें रेबडोम सी तक पहुंचती हैं। ये सीधी किरणें हैं, जबकि जो तिरछी चलने वाली किरणें हैं, ए से चलने वाली किरण यदि बी में जाती है तो वो इस पिगमेंट के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यदि यहां पर पूर्ण अवशोषण नहीं हुआ
वो परावर्तित होकर के फिर इस पर्दे पर आकर के अवशोषित हो जाती है। ये तिरछी किरणें कभी भी ओमेटिडियम के अंदर प्रवेश करने के बाद रेबडोम तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहां ध्यान देना जरूरी है कि केवल जो सीधी रेज होती हैं, डायरेक्ट रेज होती हैं, वो ओमेटिडिया तक पहुंचती हैं, जबकि तिरछी किरणें ये पिगमेंटेड सेल्स के द्वारा या पिगमेंट शीत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिसके कारण वस्तु का जो इमेज या प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, और इस तरह के इमेज को ए पोजीशन इमेज कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ब्राइट लाइट में जो इमेज बनता है वह ए पोजीशन इमेज कहलाता है। आइए अब हम देखें डिम लाइट में इमेज फॉर्मेशन। डिम लाइट या नाइट लाइट, जहां प्रकाश काफी कम होता है, मध्यम प्रकाश होता है, तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कम प्रकाश में आयरिस और रेटिनल पिगमेंट ओमेटिडिया के मध्य में सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण से प्रकाश की सीधी किरणें तो ओमेटिडियम पर पहुंच पाती हैं, साथ ही साथ प्रकाश की तिरछी किरणें भी, जिन्हें हम इनडायरेक्ट रेस कहते हैं, वो भी साइट के ओमेटिडिया के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती और वे परावर्तित होकर के पुनः अपने ही ओमेटिडियम पर वापस पहुंच जाती हैं। इस प्रकार वस्तु का बना प्रतिबिंब अस्पष्ट या धुंधला होता है तथा इसे सुपर पोजिशन इमेज कहते हैं। तो डिम लाइट में या लो लाइट में या नाइट लाइट में जो इमेज बनता है वह सुपर पोजिशन इमेज कहलाता है। आइए इस प्रक्रिया को हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये ओमेटिडियम ए है, ओमेटिडियम बी है और ओमेटिडियम सी है। ये वस्तु है, वस्तु का भाग ए, भाग बी और भाग सी है, जो इन ओमेटिडियम के सामने स्थित है। रिसेप्टर रीजन में यह है रेबडोम ए, रेबडोम बी और रेबडोम सी। यहां पर प्रकाश कम होने के कारण से हम देख सकते हैं जो आयरिस और रेटिनल पिगमेंट हैं, वो सिकुड़ गए हैं, वो छोटे हो गए हैं, और छोटे होने के कारण से ओमेटिडिया का जो संपर्क है, जो संबंध है, वो पूरी तरह से अपने पड़ोस के ओमेटिडियम से अलग नहीं हुआ है, विच्छेदित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट के भाग ए से आती हुई प्रकाश की सीधी किरणें ये अपने सामने के ओमेटिडियम पर प्रवेश करेंगी और रेबडोम तक पहुंचेंगी। बी से चलने वाली प्रकाश की किरणें भी अपने सामने के ओमेटिडियम से प्रवेश करके बी रेबडोम पर पहुंचेंगी। सी से आती हुई प्रकाश की सीधी किरणें सी ओमेटिडियम पर प्रवेश करके सी रेबडोम तक पहुंचेंगी। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं जो तिरछी किरणें हैं, उदाहरण के तौर पर ए से चलने वाली किरण ये बी पर आ रही है, लेकिन बी उसको अवशोषित नहीं कर रहा है। आयरिस और रेटिनल पिगमेंट इन तिरछी किरणों को अवशोषित नहीं करते हैं, जिसके कारण वो परावर्तित होकर के वापस पहुंच जाता है ए पर। तो इस तरह हम देखते हैं ए से सीधी किरणें ए पर आ रही हैं, जबकि तिरछी किरणें ए से होकर के बी पर जा रही हैं, जहां से परावर्तित होकर वो वापस ए पर आ रही हैं। इसी तरह हम बी पर भी देख सकते हैं, बी से सीधी किरणें बी रेबडोम पर आ रही हैं, लेकिन बी की तिरछी किरणें ये ए पर पहुंचती हैं, परावर्तित होकर के वापस बी पर आ रही हैं। बी की किरणें सी के अंदर प्रवेश करती हैं, जहां से परावर्तित होकर के वो वापस सी पर आती हैं। इसी तरह सी से चलती हुई तिरछी किरणें वो बी पर प्रवेश करती हैं और बी से परावर्तित होकर के वो वापस सी पर आती हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक ओमेटिडियम में दो तरह की किरणें आ रही हैं ऑब्जेक्ट से। पहली किरणें जो होती हैं वो डायरेक्ट आ रही हैं, और दूसरी तरह की जो किरणें हैं ये इनडायरेक्ट आ रही हैं, और जो इनडायरेक्ट किरणें आती हैं ये परावर्तित होकर के आ रही हैं, अर्थात
रिफ्लेक्ट होकर के आ रही हैं। तो रिफ्लेक्ट होके आने के कारण से यहां पर दोनों तरह के जो रेज हैं, किरणें हैं, वो ओमेटिडियम पर पहुंच रही हैं, जिसके कारण से जो इमेज बनेगा वो अस्पष्ट होगा, वो धुंधला होगा, और धुंधले बनने वाले इमेज को कहा जाता है सुपरपोजिशन इमेज। आइए अब हम ब्राइट लाइट और डिम लाइट को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। यह है ब्राइट लाइट में, जिसे हमने पूर्व में देखा है, और यह है डिम लाइट, इसे भी हमने देखा है। विशेषताएं क्या होती हैं, आप देखिएगा कि ब्राइट लाइट में केवल प्रकाश की सीधी किरणें ही ओमेटिडियम पर पहुंचती हैं, तिरछी किरणें अवशोषित हो जाती हैं किसके द्वारा, आयरिस और रेटिनल पिगमेंट के द्वारा। इसलिए ये तिरछी किरणें कभी भी ओमेटिडियम तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण से जो इमेज बनता है वो स्पष्ट होता है, इसको हम कहते हैं एपोजिशन इमेज। जबकि डिम लाइट में प्रकाश की सीधी किरणें ओमेटिडियम पर पहुंचती हैं और तिरछी किरणें अवशोषित नहीं होती और परावर्तित होकर वापस अपने ओमेटिडियम तक पहुंच जाती हैं, जिसके कारण से जो इमेज बनता है वो अस्पष्ट और धुंधला होता है। तो डिम लाइट में जो इमेज बनता है उसे हम कहते हैं सुपर पोजिशन इमेज। क्वेश्चन आवर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंपाउंड आई एंड मोज़ेक विज़न। ये फुल क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई एंड इमेज फॉर्मेशन इन पेलीमॉन। और ये सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जहां से ये लिटरेचर लिया गया है।